आज का दिन कुछ मामलों में अनोखा है। आज के दिन राजीव गांधी पैदा हुए थे। राजीव गांधी किस तरह परिस्थितियों के दबाव की वजह से इस देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे, एक सवाल और सवाल का जवाब भी, कि आप चाहें या ना चाहें, संयोग, कुछ लोग इसे डेस्टिनी कह सकते हैं, आपको घसीट के आपकी जिस जगह को आप नहीं चाहते जाना वहाँ आपको पहुँचा देते हैं। खयाम साहब हमारे बीच से चले गए। खयाम साहब का कोई बच्चा नहीं था, उसका उन्हें दुख था। उनकी पत्नी भी बहुत बड़ी गायिका थीं। दोनों ने खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारी और 91 साल जीने के बाद उन्होंने इस दुनिया से आज विदा ली। आज मतलब कल विदा ली, आज खबर हमारे सामने है। लेकिन खयाम साहब भले ही खुद इस बात से दुखी रहे हों कि उन्हें कोई बच्चा नहीं है, लेकिन जिनके बच्चे होते हैं वो कौन से सुखी हैं। बहुतों के बच्चे विदेश में हैं, वहाँ से एक चेक भेज देते हैं अपने बूढ़े माता पिता के लिए। ऐसी सैकड़ों नहीं, हज़ारों एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। या वो उसी शहर में रहते हुए माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, या ख़ुद कहीं दूर घर लेके रहते हैं और माँ बाप को अपने पुराने घर की रखवाली के लिए छोड़ देते हैं और साथ में एक नौकर। बहुत सारी जगहों पर तो बुज़ुर्ग हुए लोग जो खयाम साहब की उम्र के हैं वो कभी नौकर भी नहीं रखते कि नौकर पता नहीं उनके साथ क्या करके चला जाए, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण देखने को मिले हैं। खयाम साहब ने एक परिवार बनाया, संगीत का परिवार। सारी दुनिया में उन्हें प्यार करने वाले, उन्हें महसूस करने वाले, उनके संगीत को बार बार सुनने वाले भरे पड़े हैं। खयाम साहब का ये परिवार, शायद यही उनका परिवार है। जिन लोगों ने भी उन्हें याद किया, जिन लोगों ने उनके साथ काम किया, जैसे मुजफ्फर अली साहब, जैसे भूपेंद्र मिताली जी, ये सब ऐसे लोग हैं जिन्होंने खयाम साहब की उस मौसीकी की खूबसूरती को पहचाना और जिसके वो हमेशा कायल रहेंगे। एक तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ संघ प्रमुख से जुड़ी हुई है, जो आज चर्चा का विषय बनेगी। हालांकि सरकार ये चाहेगी इस विषय के ऊपर चर्चा ना हो, और टेलीविज़न चैनल भी ये चाहेंगे कि इस विषय के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा ना हो। पर उससे पहले राजीव गांधी को किन परिस्थितियों ने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाला और कैसे संयोग उन्हें मौत के करीब ले गया, ये लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़े घर में पैदा हुए, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाती थे, इंदिरा जी के बेटे थे। इंदिरा जी भी फिर प्रधानमंत्री हुई, वो राजनीति में नहीं आना चाहते थे। उनके छोटे भाई संजय गांधी राजनीति में आना चाहते थे, पर संजय गांधी का दुस्साहस या दुर्भाग्य उन्हें इस दुनिया से ले गया, क्योंकि वो हर चीज़ में दुस्साहस करते थे। और वो जब हवाई जहाज़ एक दिन उड़ा रहे थे, उड़ाते हुए उन्हें लगा कि इस पेड़ को छूते हुए हम फिर ऊपर जाएं, ऊपर नहीं जा पाए, वो सीधे ज़मीन पर टकराए। वहाँ से राजीव गांधी का की किस्मत उन्हें दूसरे रास्ते पर ले जाने लगी। अपने माँ की मदद के लिए उन्हें कांग्रेस का महासचिव बनना पड़ा। उन्होंने पार्टी को संगठित करने में रोल प्ले किया। फिर उनकी माँ की असामयिक शहादत के बाद, मौत के बाद, और ये भी कमाल की चीज़ है कि जो उनके अंगरक्षक थे उन्होंने ही उन्हें गोली मार दी, वो उनकी जगह पर प्रधानमंत्री बने। और प्रधानमंत्री बनने के बाद जब वो प्रधानमंत्री बने तो क्लीन स्लेट थे। 5 साल वो प्रधानमंत्री रहे और उसके बाद अगले 3 साल 2.5 साल के बाद जो चुनाव हुए, उस चुनाव में उन्हें किस्मत
इसके बावजूद कि उन्हीं के अपने परिचित राज्यपाल भीष्म नारायण सिंह जो तमिलनाडु के थे, उन्होंने उन्हें मना किया कि वो तमिलनाडु ना आए। उस समय के प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी ने उन्हें मना किया कि वो तमिलनाडु न जाएं, क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट बहुत ख़तरनाक है कि वहाँ राजीव गांधी के ऊपर हमला हो सकता है। राजीव गांधी ने इस किसी चीज़ को नहीं माना और वो श्री परम्बदूर गए और वहाँ पर लिट्टे के आतंकवादियों के द्वारा उनकी हत्या हो गई। एक सुसाइड बॉम्बर महिला ने उनके पैर छुए और अपना बेल्ट दबा दिया, जिससे पूरा मन छोड़ गया। श्री राजीव गांधी की भी शहादत हो गई प्रधानमंत्री रहते हुए, और ये अफसोस की बात है और अजीब बात है कि दो प्रधानमंत्री असामयिक मौत के गाल में समा गए, एक उनकी माँ श्रीमती इंदिरा गांधी और दूसरे राजीव गांधी। लेकिन राजीव गांधी का चेहरा, राजीव गांधी की मुस्कुराहट, राजीव गांधी का कनेक्ट करने का तरीका बेजोड़ था, इसीलिए राजीव गांधी को शायद कुछ इंदिरा जी की शहादत और कुछ राजीव गांधी के क्लीन स्लेट होने के इम्प्रेशन ने उन्हें 414 के करीब सांसद दिए, और आज तक लोकसभा में किसी को इतने सांसद नहीं मिले। रिकॉर्ड में देखें तो कांग्रेस के पास वही जो 84 में चुनाव हुआ था, जिसमें राजीव गांधी को बहुमत मिला, वो कमाल का बहुमत था, 414 सांसद।